हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे वाला पर। दोस्तों, रेलवे वाणिज्य विभाग की विभागीय परीक्षा के लिए 750 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें वाणिज्य विभाग परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। वाणिज्य विभाग का संगठन, इसमें संगठन के क्वेश्चन रहेंगे शुरू में कुछ। तो क्वेश्चन नंबर एक है, क्षेत्रीय स्तर पर वाणिज्य विभाग के सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं? तो यहाँ आंसर है CCM, ऑप्शन ए सही है इसका, CCM। रेलवे बोर्ड स्तर पर वाणिज्य विभाग के सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं? तो ये होते हैं MT। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर एक जो है, इसमें PCCM भी हो सकता है कहीं कहीं लिखा हुआ, और क्वेश्चन नंबर दो में MT की जगह मेंबर ऑफ बोर्ड हो सकता है, मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड हो सकता है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीन है, मंडल स्तर पर वाणिज्य विभाग के सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं? तो मंडल स्तर पर होते हैं सीनियर DCM। क्षेत्रीय स्तर पर टिकट चेक इन विभाग के विभाग अध्यक्ष कौन होते हैं? क्षेत्रीय स्तर पर ये आपके होते हैं CCMPS। ऑप्शन इसमें पहला ही सही है। क्षेत्रीय स्तर पर वाणिज्य विभाग की दावा शाखा के प्रमुख अधिकारी होते हैं, तो ये होते हैं CCO। ऑप्शन तीसरा सही है इसमें। क्षेत्रीय स्तर पर मार्केटिंग शाखा के प्रमुख अधिकारी होते हैं, तो क्षेत्रीय स्तर पर मार्केटिंग शाखा के प्रमुख अधिकारी CCMFM। ऑप्शन पहला ही सही है इसमें। ऑप्शन नंबर सात है, रेलवे बोर्ड स्तर पर जन शिकायत के इंचार्ज अधिकारी होते हैं, तो ये होते हैं रेलवे बोर्ड स्तर पर EDPG। ऑप्शन पहला सही है इसमें। क्षेत्रीय स्तर पर जन शिकायत के इंचार्ज कौन होते हैं? क्षेत्रीय स्तर पर जन शिकायत के इंचार्ज AGM। ऑप्शन पहला सही है इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर दो है, मंडल स्तर पर जन शिकायत के इंचार्ज कौन अधिकारी होते हैं? तो मंडल स्तर पर होते हैं ADRM। क्षेत्रीय स्तर पर किराया वापसी का प्रार्थना पत्र किस अधिकारी को भेजा जाता है? तो ये भेजा जाता है CCM रिफंड को। ऑप्शन पहला सही है इसमें। कोचिंग की संदर्भ पुस्तकें हैं, तो दोस्तों पार्सल यातायात की दरें किस संदर्भ पुस्तिका में दी गई हैं? तो ये पार्सल यातायात की ये हैं IRCA कोचिंग टैरिफ नंबर 25-3 में, 25 भाग 3 में दी गई हैं पार्सल यातायात की दरें। यात्री किराए किस संदर्भ पुस्तिका में दिए गए हैं? तो यात्री किराए आपके दिए गए हैं IRCA कोचिंग टैरिफ नंबर 26 भाग 1 जिल्द 1। इसको 26/11 से याद रख सकते हैं। लगेज की दरें किस संदर्भ पुस्तिका में दी गई हैं? तो लगेज की दरें दी गई हैं 25/3 में। अगर दरें पूछता है पार्सल की और लगेज की, तो कोचिंग टैरिफ नंबर 25 भाग 3 में दी गई हैं दोनों की दरें। सीजन टिकटों के किराए किस संदर्भ पुस्तिका में दिए गए हैं? तो दोस्तों इसके दिए गए हैं 26/2 में। आपका है ये ऑप्शन तीसरा सही है, IRCA कोचिंग टैरिफ नंबर 26/2। सुपर फास्ट चार्ज की दरें किस संदर्भ पुस्तिका में दी गई हैं? तो इसका भी कोचिंग टैरिफ नंबर 26 भाग 2 है, ऑप्शन तीसरा सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस के किराए किस संदर्भ पुस्तक में दी गई हैं? तो इनके किराए भी IRCA कोचिंग टैरिफ 26 भाग 2 में हैं। लगेज यात्री तथा लगेज यातायात से संबंधित नियम तथा शर्तें किस संदर्भ पुस्तक में दिए गए हैं? तो दोस्तों ये दिए गए हैं यात्री तथा लगेज के, इसका ऑप्शन आपका पहला सही है, IRCA कोचिंग टैरिफ नंबर 26 भाग 1 जिल्द 1, 26/11 में दिए गए हैं।
भारतीय रेल के सभी स्टेशनों के वर्गानुक्रम नामों की सूची किस संदर्भ पुस्तिका में दी गई है? तो ये दी गई है IRCA, भारतीय रेलवे स्टेशनों की नामावली। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। सैनिक यातायात से संबंधित नियम तथा शर्तें किस संदर्भ पुस्तक में दिए गए हैं? तो इसके लिए हैं IRCA मिलिट्री टैरिफ नंबर 6। खतरनाक तथा विस्फोटक माल से संबंधित नियम तथा शर्तें किस संदर्भ पुस्तिका में दी गई हैं? तो इसके लिए पुस्तक है IRCA रेड टैरिफ नंबर 20। रेल ट्रेवल कूपन के बदले टिकट जारी करने के नियम किस संदर्भ पुस्तिका में दिए गए हैं? तो दोस्तों, रेल ट्रेवल कूपन IRCA कोचिंग दर सूची संख्या 26 भाग 1 झील देख। ऑप्शन तीसरा सही है इसका। शताब्दी एक्सप्रेस के किराए किस पुस्तिका में दिए गए हैं? तो इसका है IRCA कोचिंग टैरिफ नंबर 26 भाग 2। इसका है पहला क्वेश्चन, इस पहला ऑप्शन सही है। 23 का है, गरीब रथ एक्सप्रेस गाड़ी के किराए किस संदर्भ पुस्तिका में दिए गए हैं? तो गरीब रथ के आपके इसमें है IRCA कोचिंग टैरिफ नंबर 26 भाग 2। ऑप्शन पहला सही है इसका। जनशताब्दी गाड़ी के किराए किस संदर्भ पुस्तिका में दिए गए हैं? तो इसका भी आपका IRCA कोचिंग टैरिफ नंबर 26 भाग 2 है। ऑप्शन पहला सही है इसका। गाड़ियों के आने व जाने का समय तथा यात्रियों के लिए सामान्य जानकारियाँ किस संदर्भ पुस्तिका में दी गई हैं? तो यह है आपकी समय सारणी में, ऑप्शन पहला ही सही है इसका। पार्सल को प्रभावित करने के लिए कौन कौन सी स्केल निर्धारित की गई हैं? तो इसके लिए ये RPS से याद रखिए, स्टैंडर्ड पार्सल सर्विस, प्रीमियम पार्सल सर्विस, राजधानी पार्सल सर्विस, उपरोक्त सभी, ये तीनों स्केल दरें निर्धारित की गई हैं, RPS से याद रखिए। रेलवे से संबंधित अपराधों की धाराएं किस संदर्भ पुस्तिका में दी गई हैं? तो ये दी गई है रेल अधिनियम 1989 में। ऑप्शन पहला ही सही है इसका। वाणिज्य नियमावली किस कार्यालय द्वारा छापी जाती है, प्रकाशित की जाती है? तो ये रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। कोचिंग दर की सूचियाँ किस कार्यालय द्वारा प्रकाशित की जाती हैं? तो ये की जाती हैं IRCA के कार्यालय द्वारा। कोचिंग दर की सूचियों के शुद्धि पत्र किस कार्यालय द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो दोस्तों, इसमें कोचिंग दर की सूचियाँ IRCA द्वारा प्रकाशित की जाती हैं, तो सीधी सी बात है, इसमें शुद्धि पत्र भी IRCA द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे। इसका ऑप्शन पहला सही है, क्वेश्चन नंबर 30 का। अच्छा, वर्तमान रेल अधिनियम का नाम लिखिए। वर्तमान रेल अधिनियम का नाम है रेलवे एक्ट, दी रेलवे एक्ट 1989। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। गरीब रथ एक्सप्रेस गाड़ियों में किन किन श्रेणियों के कोच लगे हुए हैं? तो गरीब रथ में लगे हुए हैं 3 AC एंड ACC। ऑप्शन इसका दूसरा सही है। 200 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी की अनारक्षित टिकट UTS द्वारा कितने दिन पहले जारी हो सकती है? तो इसका है ऑप्शन पहला सही, 3 दिन पहले जारी हो सकती है। यात्रा टिकट रेल अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत जारी किए जाते हैं? तो यह है धारा 50। ऑप्शन दूसरा सही है इसका। छपे हुए कार्ड टिकटों पर सीरियल नंबर कितने अंकों का होता है? तो ये होता है आपका 5 अंकों का। जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट जारी करने पर कितने रुपये सेवा शुल्क वसूलेंगे? तो 1 रुपया वसूलेंगे। ऑप्शन पहला सही है इसका। स्पेशल ट्रेन के लिए फ्री हाल्ट की कितने स्थानों पर अनुमति है? फ्री हाल्ट की अनुमति नहीं है। ऑप्शन इसका चौथा सही है। डबल डेकर ट्रेन में किस श्रेणी के कोच होंगे? तो उच्च क्षमता के ACC। ऑप्शन इसका दूसरा सही है। गरीब रथ एक्सप्रेस गाड़ी के किराए में निम्न में से किसको रियायत दी जाती है? तो गरीब रथ में किसी को भी रियायत नहीं दी जाती। वरिष्ठ नागरिक, MBBS, डॉक्टर, आम जनता को, किसी को रियायत नहीं जाती, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन चौथा सही है। युवा एक्सप्रेस गाड़ी में किस श्रेणी के कोच लगाए गए हैं? तो इसमें ACC के कोच लगाए गए हैं। ऑप्शन इसका तीसरा सही है।
यात्रियों के पीछे छूटे हुए अनारक्षित टिकटों से संबंधित मैसेज प्राप्त होने पर स्टेशन मास्टर क्या कार्यवाही करेगा? तो ऑप्शन इसका दूसरा सही है, ऑप्शन इसका तीसरा सही है। संदेश के आधार पर यात्री को यात्रा हेतु फ्रेट EFT जारी करेगा। फॉरेन रेलवे की छपी हुई कार्ड टिकटों की क्या पहचान है? तो इसका पहला सही है, लाल रंग की एक तिरछी लहरदार पट्टी। छपे हुए कार्ड टिकटों पर निम्न में से कौन सा विवरण नहीं होता? तो टिकट छपने का माह एवं बस होता है, दूरी होती है, किराया होता है, रैंडम नंबर नहीं होता है। ऑप्शन इसका चौथा सही है। रे श्रेणी के अनुसार इंट्रेल पास कितने प्रकार के होते हैं? तो इंट्रेल पास चार प्रकार के होते हैं श्रेणी के अनुसार। भारत में विक्रय किए जाने वाला फर्स्ट AC के इंट्रेल पास का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग नीला होता है दोस्तों, भारत में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है भारत में, जबकि विदेश में अगर कहीं ये इंट्रेल पास अगर जारी किया जाता है तो उसका रंग सफ़ेद होता है तब। किस अधिकार पत्र को प्रस्तुत करने पर इंट्रेल पास जारी किया जाता है? तो ये पहचान पत्र, क्रेडिट कार्ड, वैध पासपोर्ट। ऑप्शन इसका तीसरा सही है, वैध पासपोर्ट। इंट्रेल पास न्यूनतम किस अवधि के लिए जारी किया जाता है? तो इंट्रेल पास जो जारी किया जाता है, आधा दिन, 4 दिन, 3 दिन। तो आधा दिन, ऑप्शन इसका पहला सही है। इंट्रेल पास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस पर यात्रा विराम कहीं भी किया जा सकता है, सही बात है। इसकी वैधता अधिकतम 90 दिन होती है, सही बात है। मूल किराए के अलावा अन्य प्रभार भी नकद लिए जाते हैं, यह गलत बात है। यह विदेशी पर्यटकों के लिए जारी किया जाता है, यह सही बात है। ऑप्शन इसका तीसरा तीसरा गलत है, वो असत्य बात है। UTS से अग्रिम बुकिंग अधिकतम कितने दिन पहले हो सकती है? तो UTS से अग्रिम बुकिंग हो सकती अग्रिम बुकिंग 3 दिन, 3 दिन पहले। यूटीएस से जारी टिकट पर टिकट नंबर कितने अंकों का होता है? तो टिकट नंबर होता है 8 अंकों का। तो दोस्तों ये हमारा पहला पार्ट ख़त्म हो चुका है हमारे 750 क्वेश्चन की सीरीज का। तो बने रहिए इस सीरीज में हमारे साथ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।